अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टू की रेसिपी। आज हम मज़ेदार सा चटपटा सा स्टू बनाने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऑयल डाल रहे हैं। यहाँ पर मैं 1 कप कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। अब इसके अंदर ये प्याज शामिल कर रहे हैं। ये 3 दरमियाने साइज के हमने प्याज ली थी, उनको स्लाइसेस में कट कर लिया, वो शामिल कर ली। अब इसके अंदर हम 3 पाव गोश्त शामिल कर रहे हैं। अगर ग्राम में देखें तो 750 ग्राम हमारा ये गोश्त है। इस वक्त मैंने थोड़ा सा चिकना गोश्त लिया है। इसके साथ डकरियों और हड्डियों वाला गोश्त थोड़ा अच्छा लगता है, यानी कि सीने का गोश्त लिया है। आप कोई सा भी अपनी मर्जी का गोश्त ले सकते हैं। इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। अब हम इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनेंगे। प्याज के अंदर और लहसुन अदरक के अंदर गोश्त को हमने बहुत अच्छे से भूनना है। हमने इसको इतना भूनना है कि ये पिंक से वाइट की तरफ आ जाए। फिर इसके बाद हम बाकी के मसाले शामिल करेंगे। इसको हमने 4 मिनट बहुत अच्छे से भूना है। अब इसके अंदर हम बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल कर रहे हैं। ये हमने 3 दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे, उनको हमने 4 खानों में कट करके शामिल कर लिया। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम कुछ गरम मसाले शामिल कर रहे हैं, जिसमें 2 तेज़पत्ते हैं, 5 से 6 लौंग है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायची है, 1 टेबलस्पून जीरा है। छोटे छोटे 3 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए हैं, अगर बड़ा है तो आप 1 ले सकते हैं। ये हमने शामिल कर लिए। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, 1 टेबलस्पून नमक जा रहा है, 2 टेबलस्पून दरदरा सा कुटा हुआ साबुत धनिया डाल रहे हैं, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब इसके अंदर हम 2 गिलास पानी के शामिल कर रहे हैं, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल सके। अब हमने इसको कवर कर देना है। अब सिंपल हमने इसको गलाना है। जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो फिर इसके बाद हम देखेंगे। ये आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में गलता है। वैसे मैं इसको 40 से 45 मिनट रखूंगी गलने के लिए, और बीच बीच में मैं इसको देखती रहूंगी कि हमारा गोश्त गला या नहीं। ये आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में गलता है। और गैस को हमने मीडियम पे रखकर इसको रख देना है गलने के लिए। 40 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। या आप देख सकते हैं गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ और मसाले शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हम 5 से 6 हरी मिर्च शामिल कर रहे हैं, 1/2 कप दही का शामिल कर रहे हैं, 10 से 12 साबुत लाल गोल मिर्च शामिल कर रहे हैं, 1 दरमियाने साइज का टुकड़ा हमने अदरक का लिया था, उसको हमने इस तरीके से लंबी लंबी शेप में कट कर लिया, ये हम शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब हम इसे कवर कर देंगे। कवर करके हमने 6 से 7 मिनट इसको दम पे रखना है। इसके बाद हमारा स्टू तैयार है। 7 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। या आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी रौनक आई है हमारे स्टू की, कितना मज़ेदार सा हमारा ये स्टू तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।